मतलब है दो डबल बाण के बीच एक सिंगल बाण है। लिपिड्स की इंपॉर्टेंस, लिपिड इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। और 1 ग्राम लिपिड के मेटाबॉलिज्म से तकरीबन 9 किलो कैलोरी एनर्जी हमें हासिल होती है, जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी का डबल है। लिपिड्स वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, तो लिपिड हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं, वाटर सॉल्युबल है नहीं है, यानी एक्सक्रीट होंगे नहीं। एनिमल्स हाइबरनेशन पीरियड में इन्हीं स्टोर एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। लिपिड्स चल विटामिन्स को भी बॉडी के अंदर डिसॉल्व करते हैं। किन विटामिन्स को? फैट सॉल्युबल विटामिन्स ए डी और ई, इंपॉर्टेंट। लिपिड इन द फॉर्म ऑफ स्टेरॉइड्स, ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी सेक्स हार्मोन्स, एड्रीनल हार्मोन्स और विटामिन डी के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। लिपिड्स प्रोटीन के साथ मिलके या लिपिड और प्रोटीन का जो कॉम्प्लेक्स होता है, यह सेल मेम्ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट जुज है। लिपिड्स एनिमल्स को मौसम की शिद्दत से बचाते हैं। जैसे शुरू में मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो हमारी सबक्यूटेनियस लेयर है, ये लिपिड्स की बनी होती है और हमें ज्यादा शिद्दत मौसम की फील नहीं होती। ये सबक्यूटेनियस लेयर मेल के मुकाबले में फीमेल में ज्यादा वेल डेवलप होती है, तो मेल को गर्मी सर्दी ज्यादा लगती है कंपेयर टू फीमेल, क्योंकि फीमेल में सबक्यूटेनियस लेयर वेल डेवलप होती है। शार्क के ब्लड में एक किस्म का स्टीराइड होता है जिसे स्क्वीलिंग कहते हैं। ये एक स्टीराइड है जो कि शार्क के ब्लड में पाया जाता है। इसका एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल इफेक्ट होता है। यही वजह है कि शार्क को न तो कोई इन्फेक्शन लगती है और न शार्क को कैंसर होता है। शार्क को इन्फेक्शन क्यों नहीं लगती? बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टीराइड। लिपिड्स की प्रॉपर्टीज, तो लिपिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज सिंपल है। लिपिड्स कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस कंपाउंड्स हैं। ये पानी में सॉल्युबल नहीं होते, नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। इनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, तो ये पानी में डूबते नहीं है,
पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स। तो पहली प्रॉपर्टी है हाइड्रोलिसिस। लेकिन ये बात आपने जहन में रखना है कि हमारे कोर्स में सिंपल लिपिड्स की प्रॉपर्टीज हैं, यानी अब जो प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं ये सिंपल लिपिड्स की प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी हाइड्रोलिसिस, इसे सपोनिफिकेशन भी कहते हैं। इसका हाइड्रोलिसिस होगा कुछ यू, ये मैंने वाटर लिखा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये मैंने ट्राइग्लिसराइड कंसिडर किया। वाटर के एच प्लस को इस ऑक्सीजन के साथ मिलाए, जबकि ओ एच नेगेटिव को इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ मिलाए, तो इससे बनेगा ये ट्राइहाइड्रेट अल्कोहल बनेगा। और फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड बनेंगे तीन मॉलिक्यूल C17H35COOH। ये जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है इसे बेस की मौजूदगी में किया जाता है। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बार बार बताया कि हाइड्रोलिसिस जनरली एसिड की मौजूदगी में करते हैं। सिर्फ एक हाइड्रोलिसिस है जो बेस की मौजूदगी में किया जाता है और वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो लिपिड्स भी एस्टर ही हैं, तो इसका हाइड्रोलिसिस बेस की मौजूदगी में करेंगे। ये जो फैटी एसिड बन गए ये अब इस बेस के साथ रिएक्शन। और नतीजे में बनेगा C17H35COONA, साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। इस साल्ट को कहते हैं सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, जिसे आम जुबान में सोप कहते हैं। तो सिंपल लिपिड हाइड्रोलिसिस पे हमें ग्लाइसरोल और फैटी एसिड देता है। ये फैटी एसिड फिर बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट बनाता है। इस साल्ट को कॉमनली सोप कहते हैं और इस रिएक्शन को सपोनिफिकेशन। एडिशनल रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन हाइड्रोजिनेशन। ऐसा ऑयल जैसे कि कॉटन सीड ऑयल, जो ऑयल फॉर्म में खाने के काबिल ना हो, उस ऑयल को हाइड्रोजिनेशन पे सॉलिड प्रोडक्ट घी में चेंज किया जाता है। ये घी स्वीट होता है, टेस्ट का भी अच्छा और स्मेल का भी अच्छा।
ऑक्सीडेशन बस लिपिड्स ऐसे होते हैं जो ना ऑयल फॉर्म निकालने के काबिल होते हैं और न घी फॉर्म निकालने के काबिल होते हैं। ऐसे ऑयल को यूज किया जाता है फर्नीचर को पॉलिश करवाने के लिए। ऑयल में डाई को मिक्स किया जाता है और फिर इसे वुड के ऊपर अप्लाई किया जाता है। अप्लाई टू फर्नीचर आर वुड और फिर इसको ओपन ईयर में रखते हैं खुश करने के लिए। तो खुश करने पे ये ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोनाइल कंपाउंड में और रेजन 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 मींस पॉलीमर ये सपोज एक वुडन सरफेस है तो इस वुडन सरफेस के ऊपर ऑयल और डाई का मिक्सचर लगा देते हैं यू और फिर इस वुड को ओपन ईयर में रखेंगे। तो जब ओपन ईयर में रखोगे व्हाट विल हैपन जो ऑयल यहां पे लगा होगा ये ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज होने के बाद ये चेंज होगा कार्बोनाइल कंपाउंड में एल्डिहाइड कीटोन में और साथ में एक पॉलीमर बनेगा ये वो नटाइल होता है। तो ये उड़ जाएगा यहां से जबकि ये रेजन पॉलीमर ये इस सरफेस के ऊपर एक बारीक सी लेयर बनाएगी जिसे आम जुबान में हम कहते हैं फर्नीचर को पॉलिश किया गया यानी फर्नीचर के ऊपर लेयर लगाई गई। तो ये वो लेयर है जो फर्नीचर या वुड सरफेस के साथ स्टिक रहती है। लेकिन इस मकसद के लिए किस ऑयल को यूज करते हैं वो ऑयल जो ना ऑयल फॉर्म में खाने के काबिल हो और न सॉलिड फॉर्म में यानी घी फॉर्म में। और इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है रेंसिडिटी। ये इसकी आखिरी प्रॉपर्टी रेंसिडिटी। एनिमल लिपिड्स कंटेन लाइपेज एंजाइम। ऐसा लिपिड जो एनिमल से हासिल किया गया है उसके अंदर लाइपेज एंजाइम होता है। वो लिपिड अगर आप खुली हवा में छोड़ दोगे तो उसमें गंदी स्मेल बन जाती है और खाने के काबिल नहीं रहता। इस रिएक्शन को रेंसिडिटी कहोगे और जो ऑयल या फेट्स रेंसिडिटी से गुजरे तो उसे कहोगे रेंसेड ऑयल। रेंसिडिटी के दौरान एक्चुअली दो रिएक्शन होते हैं एक है ऑक्सीडेशन और दूसरा है हाइड्रोलिसिस। सिंपली हम उसे यू रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपल रिप्रेजेंटेशन है रेंसिडिटी का ये
तीन फैटी एसिड, लिपिड में तीन फैटी एसिड, तो रेसिडिटी के दौरान तीन में से ये एक फैटी एसिड फ्री बन जाता है। तीन फैटी एसिड, एक दो तीन, तो ये सिर्फ ये एक फ्री हो जाता है और दो रह जाते हैं, यानी ट्राइग्लिसराइड डाइग्लिसराइड में चेंज हो जाता है। इसे हम यू रिप्रेजेंट करेंगे, और वो तीसरा फ्री फॉर्म में चला गया, ये फ्री हुआ। इसकी फॉर्म स्मेल होती है और ये लिपिड को यूजलेस बना देता है, लिपिड पिरकाने के काबिल नहीं रहता। तो रेंसिडिटी के दौरान एक्चुअली दो रिएक्शन होते हैं, एक है ऑक्सीडेशन, दूसरा है हाइड्रोलिसिस। पर सिंप्लीफिकेशन के लिए हम सिर्फ हाइड्रोलिसिस लिखते हैं। ट्राइग्लिसराइड डाइग्लिसराइड में चेंज होता है और ये तीसरा फ्री हो जाता है। ये फ्री फैटी एसिड, इससे गंदी स्मेल,